वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में आप बात करने वाले हैं जेईई और नीट के एग्जाम के रिलेटेड, आखिरकार कब होंगे या पोस्टपोन होंगे। फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड जो है रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि जो भी सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं और रिक्वेस्ट के बेस पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले थे स्टूडेंट्स, उसी के बेसिस पे हमने एक कमेटी जिसमें डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनसे कहा कि एक रिव्यू किया जाए सिचुएशन पे और मुझे रिकमेंड किया जाए कल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाए, यानी ये कल से ही रिकमेंड कर किया जाए। इसी पे जो है रमेश पोखरियाल ने एक वीडियो भी शेयर किया, वो मैं आपको। नीट और जेईई की परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र और छात्राओं और अभिभावकों का पीछे के समय से निरंतर मुझे निवेदन आता रहा है, चाहे मेरे सोशल मीडिया पर हो और चाहे मेल के माध्यम से या मंत्रालय को सूचनाओं के माध्यम से, कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो यही सब कुछ देखते हुए जो एनटी के महानिदेशक हैं उनकी टीम को हमने पीछे के दिनों में ये अनुरोध किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी कमेटी बना करके और इस पर विचार करें और सभी स्थितियों का आंकलन करके वो कल तक हमको अनुशंसा दें ताकि इन परिस्थितियों में कोई एक ठोस निर्णय लिया जा सके, ताकि जो छात्र छात्र है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। छात्रों, मेरी शुभकामना कि आप अपने अध्ययन में जुटे हुए होंगे, आपकी चिंता मैं महसूस कर सकता हूं और उस चिंता में कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।